साथियों नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों आज मैं बात करूंगी समान नागरिक संहिता पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। पूरे देश में इसकी बातें हो रही है एंड आपको पता होगा कि बहुत यह कहीं ना कहीं बहस का विषय रहा है अभी तक। आपको पता होगा कि अभी अभी उत्तराखंड के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने इस सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने की, लागू करने की उन्होंने योजना बनाई है। और आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने कैबिनेट मीटिंग भी बुलाई। उन्होंने मीटिंग में इस चीज़ को, इस योजना को, इस प्रोजेक्ट को सभी के समक्ष भी रखा है। और कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि पूरे देश में, हमारे पूरे देश में उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू होगा। आप इससे पहले एक सवाल और भी कर सकते हैं कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी गोवा में भी लागू हो चुका है, तो यह उत्तराखंड में कैसे पहली बार हो रहे है? तो आपको मैं बता दूं कि गोवा सर्वप्रथम 1961 में स्वतंत्र हुआ था पुर्तगालियों से। और उस वक्त जो पुर्तगालियों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो वहाँ पे छोड़ दिया, उसको ही अभी तक उस लोगों ने परंपरा बना ली और अभी तक वो चीज़ें चल रही है। लेकिन अभी तक भारतीय संविधान के तहत या भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे कुछ इस तरह की बातें नहीं हुई। इस तरह से आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड भारत का पहला राज्य होगा जहाँ पे भारतीय संविधान के तहत एंड जो भारतीय सरकार है उनके द्वारा वहाँ इम्प्लीमेंट किया जाएगा। साथियों सर्वप्रथम मैं ये बता दूं कि धारा 44 के तहत यह प्रत्येक राज्य का कर्तव्य होता है कि वह अपने राज्य में समान सिविल संहिता लागू करे। लेकिन बावजूद पूरे राज्य विफल है, अभी तक यह सिर्फ और सिर्फ बहस का विषय रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जो केंद्र सरकार है उन्होंने भी कई बार इस पर फोकस किया। उन्होंने इस चीज़ को भरसक लागू करने के लिए प्रयासरत है, पर अभी तक इस चीज़ को लागू नहीं किया गया। साथियों मैं ये चीज़ बता दूं कि आपको पता होगा कि सर्वप्रथम मैं ये बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। हम लोग कई बार इस चीज़ पे बहस छेड़ते हैं और सुने भी होंगे, पर आज तक हम लोग को एडजेक्ट इसका डेफिनेशन एंड एडजेक्ट कुछ भी अगर कहें कि समान नागरिकता संहिता क्या होता है। आप सभी को भली भांति पता होगा कि समान नागरिक का समान का मतलब जानते हैं, नागरिक का मतलब जानते हैं, लेकिन संहिता क्या होता है। संहिता का मतलब एक ऐसा कानून का समुच्चय या एक ऐसा कानून का समूह जो प्रत्येक जाति मजहब प्रत्येक समुदाय के लिए एक समान हो। साथियों आपको पता होगा कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, आपको हिंदू में अलग ही पर्सनल लॉ है, मुस्लिम में भी अलग ही पर्सनल लॉ बोर्ड है जिसके तहत अलग अलग वहाँ पे कानून्स बने हुए हैं। जो आप एक हिंदू महिला या हिंदू पुरुष विवाह करते हैं तो महिलाओं के लिए यह कहीं ना कहीं धारणाएं हैं कि वह 7 जन्मों का रिश्ता होता है और उसको 7 एक जन्म नहीं बल्कि 7 जन्मों का उसको पवित्र रिश्ता या बंधन माना जाता है। लेकिन मैं एक बात और भी साफ कर दूं या बता दूं कि अगर किसी भी पुरुषों से होती है तो उसमें अगर पुरुषों के द्वारा महिलाओं को प्रताड़ित की जाती है या फिर उस परिवार के द्वारा महिलाओं को प्रताड़ित की जाती है तो आप इस तरीके से कहां, कब और कैसे कह सकते कि यह जो बंधन है 7 जन्मों का बंधन है। कहीं ना कहीं यह कानून और यह बंधन गलत साबित होता है। तो इसके लिए कई तरीके के कानून आए जिसमें से आप कह सकते हैं कि उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जब हिंदुओं में कुछ लॉस एंड कानून आए जिसमें आप कह सकते हैं हिंदू मेंटेनेंस एंड गार्जियनशिप लॉस, हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, तो
इस तरीके से चार भागों में उस वक्त के प्रधानमंत्री ने बांटा, जो एक हद तक महिलाओं को सशक्त बनाया, महिलाओं को इम्पावरमेंट मिली, महिलाओं को कहीं ना कहीं शक्ति प्रदान की गई। अब आई मुस्लिम लॉ बोर्ड की बात, उसमें मुस्लिम धर्म में भी विवाह संपन्न होती है और उसमें यह भी कानून है कि अगर पुरुष चाहे तो चार विवाह कर सकता है, चार पत्नी को रख सकता है, और अगर किसी भी वजह से उन्हें छोटा भी विवाद होता है तो वह सिर्फ 3 बार तलाक 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 कहकर और उस बंधन से मुक्त हो सकता है। मीन्स यह कानून कहीं ना कहीं बहुत लचीला हो गया मुस्लिम पुरुषों के लिए, और मुस्लिम महिलाओं के लिए यह कहीं ना कहीं दुखदाई और दुख का कारण बना। लेकिन अब बात यह है कि अगर फिर दोनों शादी करना चाहें, अगर वह मुस्लिम धर्म में फिर जो अपने पहले पति से शादी करना चाहे, तो पहले उस महिलाओं को एक और पुरुष से शादी करना पड़ता है, उसके साथ रात गुजारनी पड़ती है और उसके साथ शारीरिक, यहाँ तक कि शारीरिक संबंध भी बनाना पड़ता है, जिसको आप लोग सुने होंगे हलाला, उसको ही हम हलाला कहते हैं। उसके बाद उस पुरुष से तलाक ले लिया जाता है और पुनः वह पहले पति से शादी करती है। तो आपको लगता होगा कि यह कहीं ना कहीं जटिल चीजें हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये बुराई है जिसको दूर करने की जरूरत है। अब अलग अलग धर्म में आपको पता होगा कि हिंदू धर्म में कई सारे चार धर्म मेन रूप से आप कह सकते हैं, हिंदू, सिख, जैन एंड बौद्ध, तो ये सारे के सारे हिंदू धर्म में आते हैं, और मुस्लिम जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसमें। साथियों, मैं एक बात आप सभी को बता दूं कि ये सारी जटिलताएं और प्रत्येक धर्म में एक अपना पर्सनल लॉज है, पर्सनल कानून है, पर्सनल संविधान है, इन सारी चीजों को एक पटल पर लाने के लिए, एक धरातल पर लाने के लिए और एक धाराओं में लाने के लिए केंद्र सरकार या प्रत्येक गवर्नमेंट की यह कहीं ना कहीं एक तरह से उसकी मनसा होती है कि एक तरीके का कानून हो जो प्रत्येक जाति के लिए हो, प्रत्येक मजहब के लिए हो, प्रत्येक समुदाय के लिए हो। जिसे आपको अगर पता होगा कि 3 तलाक का मामला हो और अगर महिलाओं को, मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, कई बार महिलाओं को इस तरीके से, बुरी तरीके से प्रताड़ित की जाती है कि उसको ना ही पैतृक संपत्ति मिल पाती है और ना ही उसके पति का जो धन है, पति का जो संपत्ति है, उसमें अधिकार दी जाती है। तो इस तरीके से कई सारे मामले जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित होता है, कई बार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में लंबित होता है, इन सारी चीजों को, इन सारी बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा यह पहल की गई कि एक ही समान सिविल कोड लागू की जाए पूरे देश में। लेकिन अभी तक यह लागू नहीं हो पाई है। अभी पहला पहल कह सकते हैं आप, उत्तराखंड के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। तो साथियों, आपको मैं सर्वप्रथम ये बता दूं कि यह कहीं ना कहीं सभी लोगों का आपसी संबंध, आपसी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करेगा। आप सभी लोग इस विषय को सोचेंगे और आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज कहने से कुछ भी नहीं होने वाला है कि आज हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, आज हम लोग आधुनिक युग में जी रहे हैं, आज हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग महिलाओं को या प्रत्येक धर्मों में एक तरह का अधिकार या राइट, जो व्यक्तिगत अधिकार आप कह सकते हैं, वो अलग अलग क्यों? जिसे अभी यह विवाद के विषय इसलिए भी रहा है क्योंकि आपको पता होगा कि अगर किसी भी मुस्लिम धर्म में किसी भी लोगों को अगर कोई भी सूझ है, वह अगर कोर्ट का शरण लेते हैं तो कोर्ट उनको उनके संविधान के अकॉर्डिंग उसका सोल्यूशन निकालते हैं। अगर हिंदू महिला हो या पुरुष हो, अगर किसी भी तरीके का अगर उनके पास इशूज आते हैं तो वह हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ही उसको डिसीजन दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं न्यायालय के ऊपर भी एक तरीके का बोझ होता है, एक तरीके से भार, भीड़ भरा का कह सकते हैं। अगर सिविल, अब क्वेश्चन ये है कि इसका जो विवादों का ये विषय क्यों रहा है, लोग आखिर इसके पीछे इसका विवाद, इस पर विवाद क्यों करते हैं, इसका विरोध क्यों करते हैं? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये चीज बैठी हुई है कि अगर ये चीज इम्प्लीमेंट हो जाए, यह समान
नागरिक संहिता लागू हो जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाएगा तो यह कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग ही सब पर इम्प्लीमेंट की जाएगी, लागू की जाएगी। और आपको बता दूं कि अगर यह यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होता है, इससे कहीं ना कहीं कोर्ट के ऊपर जो दबाव होता है, कोर्ट के ऊपर जो भीड़ होती है, भराका होती है, कोई भी, आपको पता होगा कि कोई भी अगर मामला फंसा होता है तो 20 साल 25 साल आपको 15 साल 10 साल इस तरीके से लग जाते हैं उसको सुलझने में, उस केस को हैंडल करने में। तो कहीं ना कहीं अगर एक कानून होगा, एक संविधान होगा, तो कहीं ना कहीं बहुत आसानी होगी मामला को सुलझाने में। साथियों, आपको यह सेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और समान सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यह एक थी छोटी सी विषय, एक छोटा सा टॉपिक। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।